विदेशी बाजारों में आ रही खाद्य तेलों में गिरावट का असर भारतीय बाजारों पर देखने को मिल रहा है। अमेरिका में सोयाबीन तेल का स्टॉक बढ़ने की उम्मीद से सी बोर्ड सोया तेल में गिरावट देखने को मिली और इसका असर भारतीय बाजारों पर भी देखने को मिला, जिसके चलते इंदौर में सोया तेल आंशिक टूटकर नीचे में 1295 तो ऊपर में 1300 रुपए प्रति किलो रह गया। दरअसल यूएसडीए ने 1,86,000 टन अमेरिकी सोयाबीन की निजी बिक्री की पुष्टि की है। सोया तेल और सोया मील के दुनिया के सबसे बड़े निर्यातक देश अर्जेंटीना में सूखा अगले साल की सोयाबीन की फसल के लिए खतरा पैदा कर रहा है और देश के मुख्य उत्पादक क्षेत्र में पिछले सप्ताह के अंत में उम्मीद से कम बारिश के बाद और अब आने वाले सप्ताह में बारिश के पूर्वानुमान पर सबका ध्यान है। वहीं ब्राजील में अगले साल सोयाबीन की अभी तक सबसे बड़ी फसल उतरने वाली है और इस कारण एक्सपोर्ट और क्रश दोनों ही ऐतिहासिक होने की उम्मीद की जा रही है। एक्सपोर्ट इस साल से 180 लाख टन बढ़कर 966 लाख टन तो क्रश 507 लाख टन होने की संभावना की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।